अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और इस लेसन में आज हम लर्न करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो क्यूआर कोड है उसको जनरेट कैसे करते हैं और फिर उस क्यूआर कोड को हम सर्वर पे स्टोर कैसे करते हैं एज ए पीएनजी इमेज। ये लेसन मुझे काफ़ी पहले रिक्वेस्ट किया गया था। एक्चुअली लेसन तो रिक्वेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन मुझसे किसी ने कॉन्टेक्ट किया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मुझसे कहा था कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। मैं क्यूआर कोड को जनरेट तो करवा सक रहा हूँ, लेकिन मैं पीएचपी के थ्रू उसको स्टोर नहीं कर सक रहा। तो मैंने उस वक्त थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की थी। मेरे ख्याल से कुछ मैंने रिसोर्सेज शेयर किए थे उनके साथ, लेकिन आई गेस उनको उन चीज़ों की समझ नहीं आई थी। तो मुझे जो चीज़ बुरी लगती है, मुझे जिस चीज़ पर गुस्सा भी आता है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग भी डेवलपर बनना चाहते हैं, प्लीज़ अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें ताकि आप खुद से कुछ ना कुछ गूगल को इस्तेमाल करके थोड़ी सी रिसर्चिंग कर सकें, कंटेंट खुद से निकाल सकें। तो ये लेसन मैंने बेसिकली इस पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने आज भी देखा था, कल भी देखा था, तो मुझे उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा मैं जल्दी से इसको रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो आपको अभी कंटेंट नज़र आ रहा है, कंटेंट पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूआरएल है जिसको क्यूआर कोड के अंदर एम्बेड किया जाएगा और उसके बाद जो क्यूआर कोड है ब्राउज़र में जनरेट होगा, लेकिन उसको सर्वर पे स्टोर करवाया जाएगा और उसके लिए मैं एजेक्स का यूज़ करूँगा। इसका डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने कोई भी यू आर एल रेंडमली यहाँ से चूज़ कर ली और अब मैं जनरेट क्यू आर कोड पर क्लिक करता हूँ। देखें क्यू आर कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ तो देखें सोर्स कोड में पब्लिक फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश आगे इमेज का नाम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और इमेज की टाइप नज़र आ रही है जो कि डॉट पी एन जी है। अगर मैं आपको टेक्स्ट एडिटर पर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो इमेजेस अभी शो हो रहे हैं। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसका डेमो आपको फिर से दिखाता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, फोल्डर खाली है। अब मैं क्यूआर कोड जनरेट करता हूँ, जनरेट हो गया। वापस आते हैं तो देखें यहाँ पे इमेज आ चुका है। तो ये काम कैसे हो रहा है बेसिकली, इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप वन, इंटीग्रेट कोड थ्रू जावास्क्रिप्ट। टू, गेट इमेज डेटा फ्रॉम कैनवस। स्टेप थ्री, स्टेप फोर, फॉर्म द सर्वर। इसमें ये बेसिक फोर स्टेप्स आते हैं तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। इन तमाम सारे स्टेप्स को मैं आपके से डिस्कस करूंगा और अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, उसकी वजह ये है कि नॉर्मली मैं चीज़ें कुछ ज़्यादा इन डेप्थ जाके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझ सकें, जो बिगिनर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं वो भी सीख सकें। तो एक ही लेसन में तमाम तक को मैं नॉर्मली टारगेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दूसरी कोई यूआरएल यूज़ करता हूँ, google.com, तो क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो चुका है। इसका जो जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो जो मैंने पैकेज इसके लिए यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट का, उसका लिंक भी अवेलेबल है और उसके साथ कुछ स्टैक ओवरफ्लो की मैंने लिंक्स शामिल कर दिए हैं जो कि कैनवस में से डाटा कैसे रीड करते हैं उससे रिलेटेड हैं। उसके बाद जो एक लिंक है वो बेसिकली उसमें दिखाया गया है कि जब आपके पास सर्वर साइड पे इमेज का डाटा आ जाता है तो उस इमेज के डाटा से आप सर्वर साइड पे इमेज कैसे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट इसमें शामिल है और जो ये कोड है इसको भी मैंने जो मेरी गिट रेपो है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है रिपोजिटरी पे और आप वहाँ पे क्लिक करके इसका कोड भी गेट कर सकते हैं। वैसे मैं इस चीज़ को डिसलाइक करता हूँ जो कि कोड को शेयर करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से होता ही है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो जस्ट कोड को डाउनलोड करके उसको अपने पास इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये नहायत गंदी तरीन घटिया तरीन प्रैक्टिस है। मैं बुरे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मैं इसको खुद डिसलाइक करता हूँ।
तो चीज़ें जो है उनको प्रॉपरली लर्न करने की कोशिश करें। इस लेसन की जो लेंथ होगी वो तकरीबन कोई अराउंड 1 आवर होगी, 1 घंटा। तो उसको आप स्किप करके भी देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और उसको आप पूरा देखें, उसको आप ध्यान से देखें, ताकि जो पूरे स्टेप्स मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं वो आपकी समझ में आ सके। और कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।